क्वेश्चन ए, हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया? ए प्रदीप कुमार, बी विनय कुमार, सी एस गोपाल कृष्णन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्रदीप कुमार। आपको बता दें कि प्रदीप कुमार विनय कुमार की जगह लेंगे। बताते चले कि इससे पहले प्रदीप कुमार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव थे। दूसरे विकल्प की बात करें तो एस गोपाल कृष्णन के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। क्वेश्चन दो, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। इसका सही उत्तर है डी 1 जून। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। जैसा कि हमें मालूम है, 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के साथ साथ विश्व दुग्ध दिवस और पेरेंट्स डे यानी माता पिता दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, परंतु भारत में दुग्ध दिवस 26 नवंबर को भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। इसके हेड यानी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। क्वेश्चन तीन, केंद्र शासन द्वारा किस राज्य सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़। केंद्र शासन द्वारा छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के 2020-21 सत्र में कार्य के लिए 445 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्रामीण घर तक खास मानक गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि कुल 3,60,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए बजट में आवंटित किए गए हैं। मिनिस्ट्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ का प्लान 2024 तक 100% कार्य करने वाले नल कनेक्शन स्थापित कर लेने का है। राज्य के कुल 45 लाख घरों में से कम 20 लाख घरों तक नल का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछले कई वर्षों से भूमिगत जल कमी और आर्सेनिक फ्लोराइड और आयरन जैसे तत्वों से पेयजल के कॉन्टेमिनेशन से जूझ रहा है। कुछ और बिंदुओं पर बात करें तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और अनुसुईया उकी गवर्नर है। क्वेश्चन चार, हाल ही में कैरेट इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए संगीता मल्होत्रा, बी अरुण सिंघल, सी अनीता कोटवानी, डी एस एन राजेश्वरी। इसका सही उत्तर है सी अनीता कोटवानी। अनीता कोटवानी को डेंसु ईजिस नेटवर्क डान के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह न्यू बिजनेस और क्लाइंट लीड के रूप में मिनशेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। दूसरे विकल्प पर बात करें तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अरुण सिंघल को हाल ही में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का CEO बनाया गया है और SN राजेश्वरी को OIC यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पांच, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? ए 29 मई, बी 30 मई, सी 1 जून, डी 2 जून। इसका सही उत्तर है डी 2 जून। जानकारी के लिए बता दें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बन गया था। बताते चले कि तेलंगाना का अर्थ तेलुगु भाषी लोगों की भूमि है, जो कि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलसाई सुंदर राजन है। दूसरे विकल्पों पर चर्चा करें तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। गोवा की बात आई है तो बताते चले कि 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन छह, हाल ही में किसे IIFCL का नया प्रबंधक निदेशक चुना गया? ए PR जयशंकर, बी GR चिंतला, सी PK नायर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए PR जयशंकर। बताते चले कि IIFCL का फुल फॉर्म
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दूसरे विकल्प की बात करें तो जीआर चिंतला ने नाबार्ड अध्यक्ष का पदभार कुछ दिनों पहले ही संभाला है और भारत सरकार ने पी के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी नितिन गडकरी। इसका सही उत्तर है बी नरेंद्र मोदी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसे देखते हुए भारत के आयुष मंत्रालय ने एक इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉग कॉम्पिटिशन शुरू किया है। इसका नाम माई लाइफ माई योगा है। इस कॉम्पिटिशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में रेडियो कार्यक्रम के जरिए जानकारी दी। माई लाइफ माई योगा ऑनलाइन प्रतियोगिता में पूरी दुनिया के लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए लोगों को अपना 3 मिनट का योगा वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि योग आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आया है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किसके द्वारा सोडा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? ए जियो, बी फेसबुक, सी गूगल, डी टेलीग्राम। इसका सही उत्तर है सी गूगल। गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग ऐप तैयार किया है जिसकी मदद से लोग आपस में 2 मीटर की दूरी बनाए रख सकेंगे। गूगल का यह एप्लीकेशन ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आपके चारों ओर एक वर्चुअल रिंग तैयार कर देगा। इसके लिए एप्लीकेशन स्मार्टफोन कैमरा की मदद लेगा। गूगल के इस ऐप का नाम सोडा रखा गया है। गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई है। क्वेश्चन 9, हाल ही में कौन सा राज्य मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया? ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटे मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु कौन सा योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए बचपन योजना, बी मुद्रा किशोर ऋण योजना, सी मुद्रा शिशु ऋण योजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी मुद्रा शिशु ऋण योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुद्रा शिशु लोन पर 2% ब्याज सहायता देने की घोषणा की है। मुद्रा योजना के तहत यह सबसे निचली श्रेणी में दिया जाने वाला कर्ज है। इसके तहत 50,000 रुपये तक के शिशु लोन पर ब्याज में 2% की सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। मुद्रा शिशु ऋण योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। नोट 1, हाल ही में आई वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 2% तक गिरावट का अनुमान लगाया है। नोट 2, हाल ही में BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामित किया है। रोहित शर्मा के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। बताते चले कि रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।